गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोयम द जिम्नास्टिक क्लॉक। द लिटिल क्लॉक इज फ्रेंड विद मी, इट टॉक्स एज प्लेन कैन बी एंड सी सेज ईच मॉर्निंग एज इट राइजेज, नॉट डोंट फॉरगेट योर एक्सरसाइजेस, बोथ हैंड्स अबव योर हेड यू नो देन लोअर देन वेरी स्लोली सो ही डोंट गेट टायर्ड एंड स्टॉप। That's why I exercise like this all day. The poet says the little clock is in his room, in his friend. The clock asks him friendly each morning to do exercise by scratching your arms above his head and then bring them down very slowly. He further asks him to keep doing this exercise without stopping. The clock tells the poet to be like it. It always keeps its hands moving up and down. ये आपकी पोएम है जिम्नास्टिक क्लॉक। इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ बताया गया है कि जो एक लिटिल बॉय है उसके कमरे में एक क्लॉक है जो उसकी फ्रेंड है, और इसी के बारे में बताया गया है कि ये जो फ्रेंड उसकी फ्रेंड है वो हर क्लॉक तो आपको मालूम ही है उसके हैंड्स हर ऑलवेज मूव करते रहते हैं, तो वो उसकी जो फ्रेंड्स वो ये चाहती है कि ये जो बॉय है ये भी अपने हैंड्स को एवरी टाइम मूव करता रहे और एक्सरसाइज करता रहे यही, और ऐसा नहीं कि एक ही समय, वो हर समय, क्योंकि वॉच की हैंड्स आप जानते हैं कि हर समय मूव करते रहते हैं, तो वो ये चाहता है कि ये बॉय भी हर समय एक्सरसाइज करता रहे और अपने हैंड्स को ऊपर नीचे मूव कराता रहे। राइट इन इट्स फेस देन आई से पो आई वुड नॉट बोस्ट ऑफ इट लाइक यू बट आई कैन स्विंग माई आर्म्स राउंड टू एंड सो द क्लॉक देन लुक्स एट मी एंड आई लुक बैक एंड आई एंड ही ईच सिंगल मॉर्निंग व्हेन वी राइज जस्ट एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। द पोइट गॉट एनॉयड एट द क्लॉक ही रिटोर्टेड बैक टू हिम सेइंग द क्लॉक वुड नॉट शुड नॉट बूस्ट अबाउट मूविंग इट्स हैंड। ही रिप्लाइड टू इट दैट ही टू कुड मूव हिज हैंड्स लाइक इट ही शोड हिम हाउ ही कुड मूव इट। The clock was wonderstruck at the poet's reply. So each morning the poet and the clock keep looking at each other. The clock does its exercise by moving its hand and the poet does the same. आपके सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जब वो उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है उस बॉय से, तो वो बहुत गुस्सा करता है, उसे ये लगता है कि ये बस हर समय एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है, ये बस मॉर्निंग में उठे और उठने के बाद आपकी ये सिर्फ बस अ सिंगल मॉर्निंग व्हेन वी राइज, जब भी वो उठते हैं बस वो एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, और जब वो उठते हैं तो क्या करते हैं एक दूसरे को देखते रहते हैं, देखने के बाद वो बस जैसे ही वो क्लॉक अपने हैंड को मूव करती है फिर वैसे ही बॉय भी अपने हैंड को मूव करता रहता है। दिस पोएम रिटन बाई MC Davies.